हर केस के पीछे एक कहानी होती है, एक रीज़न होता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर को, एडवोकेट्स को, जजेस को ही जानना ज़रूरी नहीं होता, वो हर एक को पता होना चाहिए। आज से मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे केसेस लाऊं जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टिपिकल है, या जिन्होंने कुछ नई टेक्निक्स बताई है, या उस केसेस की वजह से अपने इंडिया में और भी जगह कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, या और भी तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है। नो मैटर दे आर सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, बट दे आर सम, दीज आर सम केसेस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आज जिस केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत टिपिकल भी है, बहुत ज़्यादा उसको हाई मीडिया अटेंशन मिला था, और वो पहला केस था जिसमें क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यूज़ हुई थी। एंड द केस इज़ जैक द रिपर, 1888 लंदन। ये वो समय था जब बहुत सारे आयरिश इमिग्रेंट्स ने वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन में अपनी जगह बनाई। वहाँ पे वो लोग एज अ रिफ्यूजी रहने लगे, और ना सिर्फ आयरिश इमिग्रेंट्स बल्कि बहुत सारे ज्यूज़ और रशियन भी वहाँ पर रहने लगे। इट इज़ रिपोर्टेड दैट मोर देन 80,000 पीपल वर लिविंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट। जब इतने सारे इमिग्रेंट्स और या इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज़ एक जगह पर रहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ सर्वाइवल, हाउ टू सर्वाइव। और सर्वाइवल के लिए उस समय जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, और बहुत सारी डेथ होती थी। ये रिपोर्टेड है कि 55% ऑफ डेथ उन लोगों की हुई थी जो बच्चे 5 साल की एज तक भी नहीं पहुंचे थे। आप सोच लीजिए उस समय का सिनेरियो क्या था। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे क्राइम अपने आप होने लगते हैं। उसी दौरान बहुत ज़्यादा रॉबरी होने लगी, वायलेंस होने लगा, थेफ्ट होने लगा, मर्डर्स होने लगे, और भी कई तरह की प्रॉब्लम उस जगह पर होने लगी, क्योंकि सर्वाइवल वॉज अ बिग इशू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 62 ब्रोथल्स थे उस एक पर्टिकुलर जगह पे, और 1200 वुमेन वेयर प्रोस्टिट्यूट्स। ये अपने आप में एक अलार्मिंग फिगर था, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में इतने होना उस समय फॉर सर्वाइवल वॉज समथिंग विच वॉज रियली अलार्मिंग। उसी दौरान एक घटना हुई। एक सुबह लोगों ने पाया कि एक बहुत ही ब्रूटल तरीके का मर्डर हुआ है। वो मर्डर इसलिए बहुत ही ब्रूटल और टिपिकल था क्योंकि उसमें सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ ही था, इसके साथ में उस मर्डर में उस एक लेडी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को काट के निकाल दिया गया था। और वो कुछ बॉडी पार्ट्स थे जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स भी थे, और इसके अलावा इंटेस्टाइन थी, किडनी थी, इनको भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से बॉडी से काट के अलग कर दिया गया था। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये किसने किया और क्यों किया, और ये ऐसा क्या दुश्मनी थी किसी की जो इस तरीके का क्राइम कमिट हुआ। और जिस लेडी का मर्डर हुआ था वो प्रोस्टिट्यूट थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब तक चल ही रहा था तब तक कुछ और मर्डर्स भी हो गए। 5 एक ऐसे मर्डर थे जो कि रिपोर्टेड थे एक ही तरीके से होने में। दैट मीन्स वो पांचों जो थी वो प्रोस्टिट्यूट्स थी, पांचों का ही मर्डर आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और पांचों के ही बॉडी पार्ट्स में स्पेशली उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट के अलग कर दिया गया था, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरीके से उसको काटा गया था। इस तरह की चीज़ हुई, लोगों के दिमाग में बहुत डर बैठ गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, एक अनरेस्ट हो गया पूरी की पूरी पब्लिक में, और मीडिया ने भी इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने आप में बहुत ही टिपिकल थी और कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा था। ये जो 5 मर्डर हुए थे जो कि प्रोस्टिट्यूट के थे, दीज आर पॉपुलरली नोन एज कैनोनिकल 5। ये मर्डर इसलिए थे क्योंकि ये सिमिलर नेचर के थे और पाँचों के पाँचों प्रोस्टिट्यूट थी। ये कहा जाता है कि ये जो मर्डर्स थे वो जैक द रिपर ने किए थे, और इस मर्डर को ये कहा जाता है कि वो एक ही आदमी ने किए थे, ऑल्दो उसके बाद बहुत सारे और मर्डर्स हुए।
जिसमें लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन फिर भी उसमें सिमिलैरिटी ये थी कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के हुए थे और उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल दिया गया था। इस केस का पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया था और ये एक पहला केस था जिसमें सबसे पहले क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यूज़ हुई थी। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग बेसिकली वो टेक्निक है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्राइम क्यों हुआ है, उस विक्टिम की और उस ऑफेंडर की हिस्ट्री क्या हो सकती है, उसने किस पैटर्न पे क्राइम किया है और फिर आगे वो इस तरीके से और कितने क्राइम कमिट कर सकता है, ये जानने के लिए। और जब भी कभी भी सीरियल किलिंग होती है या बहुत ही ब्रूटल या हीनियस क्राइम होता है तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यूज़ होती है आज भी। तो ये पहला केस था जिसमें क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यूज़ हुई थी, जिसमें फॉरेंसिक साइंस की भी हेल्प ली गई थी और इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से तो हुए ही थे। ये पहला ऐसा केस था जिसमें इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हुआ था कि डोर टू डोर वाइट चैपल में डोर टू डोर जाके पुलिस ने इंटरव्यूज़ लिए थे। 2000 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ हुए थे, 300 से ऊपर लोगों के इन्वेस्टिगेशन हुए थे और 80 पीपल्स वेयर डिटेन्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है और दिस वॉज फर्स्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब ये चीज़ हुई थी। इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में ये पर्सन कौन है, और बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो पर्सन है जो कि ये क्राइम कमिट कर रहा है वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो सर्जन भी हो सकता है, वो बार्बर भी हो सकता है, या और भी कोई इस तरीके के प्रोफेशन में वो आदमी हो सकता है जिसको कट्स लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि इतने अच्छे तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स को निकाला जाता था कि वो समझ में आना कि कोई इतना ब्रूटल तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद, मर्डर करने के बाद इतना टाइम उस पर्टिकुलर बॉडी को दे कि वो इस तरह की चीज़ें निकाले और वो बॉडी स्ट्रीट्स पे पाई जाए। ये कोई अकेले में मर्डर नहीं हो रहा था, ये स्ट्रीट्स में हो रहे थे ये मर्डर। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब चीज़ थी कि इतने होने के बावजूद भी, जो कि वहाँ पे एक अच्छे खासी पॉपुलेशन रह रही थी, लेकिन लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि मर्डर कौन है। हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के पास बहुत सारे लेटर्स आने लगे। उस लेटर में कहीं ना कहीं ये क्लेम किया जाता था कि वो लेटर क्रिमिनल के द्वारा लिखे गए हैं, और कई पुलिस का ऐसा कहना था कि 100 ऑफ लेटर आए थे, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे थे जो यूज़लेस थे और जो एक मजाक था और जो पुलिस को परेशान करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन कुछ एक लेटर ऐसे थे जो कि अपने आप में कहानी कहते थे। जिसमें से पहला लेटर जो था, जिसको द बॉस के नाम से वो ज़्यादा फेमस है, उस लेटर में खास बात ये थी कि उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि उस लेटर के साथ एक कान का पीस भी साथ में आया था, जिसमें ये चीज़ क्लियर थी कि जो क्रिमिनल है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए कि एक तरीके से पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस तरह की चीज़ें मर्डर करता रहेगा, इस तरीके से बॉडी पार्ट्स काटता रहेगा, और यहाँ तक कि वो बॉडी पार्ट्स जो है वो पुलिस को भी भेजता रहेगा, और साथ में कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है कि आप उसको पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। ये लेटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेटर में पहली बार जैक द रिपर वर्ड यूज़ हुआ था, एंड देयर आफ्टर उन सारे लेटर्स में जैक द रिपर वर्ड यूज़ हुआ और उस क्रिमिनल को जैक द रिपर के नाम से जाना गया। कोई नहीं जानता था कि वो दिखता कैसा है, वो किस तरीके का आदमी है, बस लेटर्स के थ्रू और किलिंग के थ्रू और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के थ्रू ये जानने की, समझने की कोशिश करी जा रही थी कि ये मर्डर क्यों हो रहे थे और वो कौन कर रहा था। उसके बाद एक लेटर और अजीब सा आया, उस लेटर के साथ में किडनी, हाफ किडनी का पीस एक आया, और उस लेटर में स्पेशली ये लिखा गया कि मैं आपको हाफ ऑफ किडनी भेज रहा हूँ उस लेडी की, क्योंकि जो बाकी की हाफ जो किडनी थी वो मैंने फ्राई करके खा ली एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी, तो मैं बाकी की हाफ आपको भेज रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को अगेन एक्सेप्ट करें। अगेन दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ चैलेंज फॉर पुलिस ऑफिसर्स। इसके बाद ये हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद।
अब क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें फॉरेंसिक की हेल्प ली गई। ये देखा गया कि किस तरीके के कट होते थे। कट में ये पाया गया कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ज़्यादा होते थे। उस कट को जो कट होते थे वो एक टिपिकल टाइप के होते थे। फिर बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी थ्योरीज़ ऐसे दी गई कि वो पर्सन है कौन, कि वो सर्जन भी हो सकता है, वो बार्बर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो कोई भी इस तरीके का आदमी हो सकता है जो इस प्रोफेशन में हो जिसमें उसको क्लियर तरीके से कट करना भी आना चाहिए। मगर एक थ्योरी ये भी कहती थी कि वो एक साइकोलॉजिकल क्रिमिनल है। अब साइकोलॉजी की या साइकोसिस जिसको हम कहते हैं, ब्रेन की कोई इलनेस, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो साइकोपैथ भी हो सकता है। और वो एक टिपिकल टाइप की, चूँकि ये कहा जाता था कि वो मर्डर करने के बाद और बॉडी को कट करने के बाद वो ओपन उस तरीके से बॉडी एक स्ट्रीट में छोड़ दिया करता था, और कहीं ना कहीं ये चीज़ साइकोलॉजिकल जो है वो ये कहती है कि अगर इस तरीके से कोई बॉडी पार्ट को छोड़ देता है आफ्टर मर्डर टू, जो कि बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा था। और इस तरीके का प्लेजर अगर किसी को मिलता है तो वो साइकोपैथ भी हो सकता है। तो इस तरह की भी थ्योरी दी गई है कि वो एक क्रिमिनल हो सकता है, वो एक मेंटली इल क्रिमिनल भी है। कई लोग कहते थे कि वो रिवेंज के लिए भी कर सकता था, उसको मज़ा आता था इस तरह की चीज़ें करने के लिए। मगर ये सारी चीज़ें एक थ्योरी बन के रह गई। उस मर्डर के बाद भी और आज भी इस पर बहुत सारी रिसर्च करी गई है। लोगों ने बहुत रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि कौन है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस दौरान एक आदमी था जो गिरफ्तार हुआ था, जो कि बार्बर था और बहुत ज़्यादा क्लोज था उन सारे मर्डर्स और या उस तरह की चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन बहुत उसके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, कोई विटनेसेस नहीं थे, इसलिए वो आदमी छूट भी गया और ये केस कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो गया। उसके बाद किलिंग भी ख़त्म हो गई और लोग आज तक नहीं जान पाए कि वो मर्डरर कौन था। लेकिन इस केस से मीडिया का एक अलग तरीके की पिक्चर आई। ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था मीडिया में। नतीजा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों में पेपर पढ़ने की आदत डल गई। लोग बहुत ज़्यादा इस केस को फॉलो करते थे, लोग जानने की कोशिश करते थे। इसके अलावा इस केस को, चूँकि ये इतना हाईलाइटेड केस था, इसलिए इस केस पर बहुत ज़्यादा प्लेज होने लगे, ड्रामा होने लगे, कॉमिक्स लिखी जाने लगी, मूवीज़ बनने लगी, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह इस पे बनने लगा, लोगों के कोर्स में ये केसेस आने लगे, लोग डिस्कशन बहुत ज़्यादा इस केस के बारे में करने लगे। इस केस का नतीजा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये केस आज भी हिस्ट्री में एक इतना इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है, क्योंकि ये वो केस था जिसने कहीं ना कहीं सबको हिला दिया था और लोगों को ये लगने लगा था कि साइकोपैथ्स भी हो सकते हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग भी पहली बार यूज़ हुई। इस तरीके का क्राइम इतने ब्रूटल तरीके से हो सकता है, लेकिन किसने किया था और कौन है वो जैक द रिपर, ये लोग आज तक नहीं जान पाए। मैंने भी अपनी बुक साइकोपैथ अ नीड फॉर थेरेपेटिक अप्रोच में इस केस को डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने भी साइकोपैथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करी है और मुझे भी ये लगता है कि दिस वाज़ द फर्स्ट केस ऑफ अ साइकोपैथ व्हिच हैज़ बीन हाइलाइटेड बाय द मीडिया एंड एवरीवेयर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस तरीके से और कौन सा केस सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।